टिहरी गढ़वाल भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है जो कि सन 888 में स्थापित हुआ था। टिहरी का क्षेत्रफल 4,080 वर्ग किलोमीटर है जो रुद्रप्रयाग जिले द्वारा घिरा हुआ है और जिसकी जनसंख्या लगभग 6,18,931 है। टिहरी और गढ़वाल दो अलग अलग नामों को मिलकर इस जिले का नाम रखा गया है। जहाँ टिहरी बना है शब्द त्रिहरी से, इसका मतलब एक इरा या स्थान जो तीन तरह के पाप मनसा वंचा कर्मा धो देता है। वहीं दूसरा शब्द बना है गढ़, जिसका मतलब है किला। सन 888 से पूर्व सारा गढ़वाल क्षेत्र छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था जिनमें अलग अलग राजा राज्य करते थे, जिन्हें राणा राय ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था। सन 888 से पहले क्षेत्र को 52 गढ़ों अर्थात किले में विभाजित किया गया था जो स्वतंत्र राजा द्वारा शासित है। राजा कनकपाल मालवा के राजा द्वारा इन गढ़ों को एक क्षेत्र में लाया गया। राजा कनकपाल ने सारे किले जीते और गढ़वाल साम्राज्य पे 1915 वर्ष से 1803 तक राज्य किया। टिहरी गढ़वाल परमार शाह राजवंश द्वारा शासित था, पर कुछ समय बाद ये पंजाब हिल स्टेट एजेंसी का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश भारत के शासक को 1913 के बाद राजा का राजपाट महाराजा को दिया गया था। 1949 में राज्य भारत को दिया गया और कई नई राजधानी बनाई गई जो कि प्रताप नगर, कीर्ति नगर और नरेंद्र नगर के नाम से जानी जाती हैं। ये राजधानी प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह द्वारा स्थापित किए गए। अगस्त 1949 में टिहरी रियासत को उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया और नया जिला रुद्रप्रयाग दिया गया। 24 फरवरी 1960 में राज्य सरकार ने उत्तरकाशी एक तहसील का नाम लिया। नरेंद्र नगर में टिहरी गढ़वाल के महाराजा का शाही महल है जिसका नाम आनंदा इन हिमालयस है जो कि सन 2000 में स्थापित हुआ था। टिहरी गढ़वाल जिले में उगाई जाने वाली फसलें सूखे मौसम गेहूं, जौ, मसूर, लाल चने और सरसों। गीले मौसम में चावल, बाजरा, काले चने और सोया। विधानसभा क्षेत्र हैं घनसाली, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर, टिहरी और धनोल्टी। यहीं 7 तहसील, 9 ब्लॉक, 2 म्युनिसिपैलिटीज, 4 कमेटी हैं। टिहरी गढ़वाल जिले में 76 नगर पंचायत और 928 ग्राम पंचायत भी शामिल है। टिहरी जिले में स्थापित शक्तिपीठ, पहला सुरखंडा देवी। सुरखंडा देवी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तराखंड के कर्णताल के पास स्थित है। यहाँ गंगा दशहरा का त्यौहार मई और जून के बीच में मनाया जाता है। यह मंदिर रौसली के पेड़ों के बीच स्थित है। यहाँ वर्ष का आधा समय कोहरे से ढका रहता है। माना जाता है कि जब शिव इस स्थान से कैलाश की तरफ सती के तन को ले जा रहे थे तो उसका सर उस जगह गिरा
जहां सुरकंडा देवी का आधुनिक मंदिर खड़ा है, जिसके कारण मंदिर का नाम सिरखंडा हो गया। जैसे समय बीता, इसी के साथ इसका नाम सुरखंडा कहलाने लगा। दूसरा शक्तिपीठ चंद्रबदनी। यह मंदिर देवप्रयाग और प्रतापनगर का प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि सती का धड़ यहाँ गिर गया और उसके हथियार सभी जगह आसपास बिखर गए, और यहाँ अभी भी बहुत संख्या में लोहे के त्रिशूल और पुरानी मूर्तियाँ हैं। तीसरा शक्तिपीठ कुंजापुरी। 1972 से हर साल दशहरे उत्सव के पहले नवरात्रों के दौरान कुंजापुरी मंदिर में पर्यटन और विकास मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर का नवीकरण 1 अक्टूबर 1979 से 25 फरवरी 1980 तक किया गया था। मंदिर के गर्भभाग में मूर्ति और एक गदा स्थापित है। कहा जाता है यह वही स्थान है जहां कुंजा गिर गया था और यहां इसकी पूजा की जाती है, जबकि देवी की एक मूर्ति एक कोने में रखी गई है। मंदिर परिसर में भगवान शिव की मूर्ति, नागराज और नरसिंह के साथ साथ भैरव महाकाली की भी मूर्तियां हैं। टिहरी डिस्ट्रिक्ट के कुछ प्रसिद्ध मंदिर। पहला, सेमुखेम। सेमुखेम मंदिर का सुंदर द्वार 14 फीट चौड़ा और 24 फीट ऊंचा है। इसमें नागराज वन फैला हुआ है और माना जाता है कि वंशी भगवान श्री कृष्णा ने नागराज के फन को अपने बांसुरी के धुन में समा लिया था, इस वजह से इसका नाम सेमुखेम पड़ा। दूसरा प्रसिद्ध मंदिर बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार मंदिर बाल गंगा और धर्म गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ महाभारत के दुर्योधन ने तर्पण की प्रकाश की थी। महाभारत के युग के दौरान युद्ध के बाद पांडु कुरुक्षेत्र भगवान शिव के तलाश में चले गए। अपनी यात्रा में उन्होंने भार्गु पर्वत में ऋषि बालखिले का सामना किया। ऋषि ने पांडव को स्थल के लिए निर्देशित किया और एक बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए संगम करवाया, जो वहां ध्यान कर रहा था। जब पांडव वहां पहुंचे तो बूढ़ा गायब हो गया और इसके बदले एक विशाल शिवलिंग दिखाई दिया। इसी वजह से इसका नाम बूढ़ा केदार पड़ा। ऋषि बालखिले ने पांडव से पूछा और शिवलिंग को गले लगाकर अपनी छाप छोड़ी और पापों से मुक्त हो गए। ये शिवलिंग उत्तरी भारत में सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। तीसरा प्रसिद्ध मंदिर कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव एक प्राचीन मंदिर है जो कि शिव को समर्पित है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में यह स्थित है, जो कि अलकनंदा से थोड़ा ऊपर रुद्रप्रयाग के केदार में स्थित है। यहाँ पे एक दानव था जो कि किसी के सर के ऊपर हाथ रख देता तो उसका सर राख हो जाता था। महादेव ने कोटेश्वर आने से पहले विभिन्न स्थानों में आराम किया और उनमें से एक जगह यहाँ भी थी। राक्षस का सामना करने के पहले और पराजित होने के बाद यहाँ पर शिव ने भी विश्राम किया था। ऐसे ही पुरानी कथा हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड महादेव और किन्नर से भी जुड़ी हुई है। चौथा प्रसिद्ध मंदिर
रघुनाथ मंदिर। माना जाता है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी में शंकर आचार्य द्वारा की गई थी। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम होता है, जो कि आगे जाके गंगा नदी बन जाती है। माना जाता है कि रघुनाथ जी ने इस जगह में रावण का वध करने के बाद खुद को शराब से मुक्त करा था। यहाँ माना जाता है कि सरस्वती कभी कभी सीधे मंदिर में देवता के नीचे से बहती है। इस देवता के पास एक छोटा सा कुंड स्थित है। टिहरी जिले के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। पहला, टिहरी झील। टिहरी झील एक आधुनिक बांध जलाशय है, जो कि टिहरी डैम के निर्माण के समय बनाया गया है। भागीरथी नदी के पानी को बांध जलाशय में भरने से इस टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। टिहरी डैम के निर्माण के बाद यहाँ झील के बीच एक नौका विहार स्थान बनाया गया है, जो कि पर्यटक और यात्री जो शांति की तलाश कर रहे हैं और जिन्हें प्रकृति से लगाव है, उनके लिए यहाँ स्थान बनाया गया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीबियों के साथ यहाँ एक आदर्श साप्ताहिक भी बनाया गया है। टिहरी झील धीरे धीरे और लगातार रोमांच के लिए अगला साहसिक बन रही है। सरकार ने टिहरी को पूर्ण साहसिक खेल के मैदान में बदलने की योजना बनाई है। टिहरी झील में नौका विहार, राफ्टिंग, काइकिंग के साथ साथ अधिक खेल उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे कि पानी जॉर्बिंग, स्कूबा डाइविंग, मोटर बोट, ट्रैक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइक। दूसरा पर्यटक स्थल, पवाली कांटा। पवाली कांटा के मैदानी इलाके चार धाम पर्वत त्रिकला के दुर्लभ दृश्यों के लिए जानी जाती है। गर्मियों के आगमन में जब बर्फ पिघल जाती है और नई जड़ी बूटी और फूल खिल जाते हैं, पवाली कांटा के घास के मैदानों की चुनौतियों को कोई भी सामान्य व्यक्ति इस ट्रैक को कर सकता है। यहाँ कपल्स, विदेशी आदि के लिए प्रसिद्ध है और इस साथ ही साथ यहाँ कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। तीसरा पर्यटक स्थल, नागटिब्बा। नागटिब्बा उत्तराखंड की लेसार की तीन प्रमुख श्रेणियों में से एक है। माना जाता है कि ये नाग देवता का निवास स्थान है। स्थानीय ग्रामीण लोग यहाँ नाग देवता को अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। नागटिब्बा के ऊंची चोटी पर एक मंदिर है, जो कि नाग देवता का स्थान या निवास है। चौथा पर्यटक स्थल, धनोल्टी। धनोल्टी गढ़वाल हिमालय की तलहाटी में स्थित एक हिल स्टेशन है। धनोल्टी टिहरी जिले के एक तहसील है। धनोल्टी में दो इको पार्क हैं, जिसका नाम अंबेर और धारा है, जो कि 200 मीटर की दूरी में है। इनका विकास उत्तराखंड वन विभाग द्वारा किया गया है। घरों को बचाव के लिए देवदार के वृक्षों से युक्त छोटे छोटे जंगल हैं। पांचवा पर्यटक स्थल, कानाताल। कानाताल उत्तराखंड में स्थित है, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। कानाताल एक पर्यटक हॉटस्पॉट है। कानाताल में धार्मिक स्थल जैसे सुरकंडा देवी मंदिर है और कानाताल से 1 किलोमीटर दूरी पर आप कोडिया जंगल और कुछ जंगली जानवर देख सकते हैं, जिसे जीप के माध्यम से भी सवारी करके देखा जा सकता है। बांध और प्रकृति के झरने हैं, जो इस क्षेत्र में काफ़ी परिचित हैं। छठवां पर्यटक स्थल, खेटलिंग ग्लेशियर। खेटलिंग उत्तराखंड राज्य के एक जिले टिहरी गढ़वाल में स्थित है, जो कि अपनी ऊंचाई, शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बिलंगना के आसपास नदी के स्रोत के कारण गढ़वाल हिमालय के ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर में चोटियों में एक मोटी परत की छाया है, जिसे जोगिन के नाम से जाना जाता है। सातवां पर्यटक स्थल,
गंगी। गंगी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक शहर है। गंगा भारतीय स्थानों गंगोत्री और केदारनाथ की सीमा पर बनती है। गंगी हिंदू देवी दुर्गा का दूसरा नाम भी है। टिहरी जिले के कुछ प्रसिद्ध पार्क्स। पहला, इको पार्क। धनोल्टी में इको पार्क नाम से एक नव विकसित पार्क है और धनोल्टी के नागरिक जो देवदार के पेड़ों के घर बनाते हैं उन पेड़ों के लिए यह पार्क जाना जाता है। यहाँ एक फेमस पिकनिक स्पॉट भी है। दूसरा प्रसिद्ध पार्क, वनस्पतिक उद्याई। यहाँ पर पर्यटक भोजपत्र चिनार के वृक्षों से आकर्षित होते हैं और यहाँ चंदन, बादाम, अमरूद, रुद्राक्ष, मूलाश्री और कई अन्य हर्बल लेसम के फूलों की प्रजाति भी है। झील का नज़ारा देखने के लिए आने वाले सैलानियों की चहल पहल टिहरी में देखने को मिलती है और इस स्थान से पूरा टिहरी झील देखा जा सकता है।